नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हमारे पास एक हथेली आई है और इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उंगलियों पे। आप देखोगे जो जुपिटर माउंट वाली उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका झुकाव शनि की ओर बना हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर निहित हैं और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तियों में से एक है। दूसरी यहाँ पे उंगली देखें, जिसको हम शनि की उंगली कहते हैं, किसी न किसी रूप में इसका झुकाव भी यहाँ पे अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ बना हुआ है। निश्चित तौर पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, सरलता से चीज़ें आपको नहीं मिलती है शनि के कारण। दूसरी बात, उंगली लंबी है, अच्छी खासी है, ऐसे में मेहनती बहुत अच्छे हैं, समझ बूझ के काम करते हैं, बुद्धिमता से काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखें, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, बुद्ध की जो उंगली है, उसका झुकाव भी आपकी रिंग फिंगर की तरफ बना हुआ है। ऐसे में ज़्यादा सफल हो जाए, सफलता जल्दी हासिल हो जाए और धन अच्छा खासा अपने जीवन में आए, इसकी चाह यहाँ पे बनी हुई है। लगभग अगर आप देखोगे, सभी उंगलियों का जो झुकाव है इस रिंग फिंगर की तरफ बना हुआ है। अभी तक मैंने बताया कि कौन सी उंगली का क्या मतलब है और अब झुकाव देखो, आप सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की ओर है, रिंग फिंगर की उंगली की ओर है। ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की पर्वत की तरफ जब झुकाव होता है ना, तो व्यक्ति की यश की चाह रखने वाला होता है। आप भी यश की चाह रखने वालों में से एक हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बनी हुई है और ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट जॉब में हो, निजी जॉब में हो या सरकारी में हो, उच्च अधिकारी, उच्च पदस्थ या श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है, ये निश्चित है। दूसरी बात, अगर हम हथेली में देखते हैं तो आपकी जो रिंग फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे तर्जनी उंगली से लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। फोटो में ये थोड़ा सा बड़ी दिखाई दे रही है। अगर मिडिल फिंगर के बराबर है तो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देगी, लेकिन कई बार फोटो में दूसरी तरह से आ जाती है और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी तो दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी है तो ये अच्छी है, ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाएगी। ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे, फेम पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे और ऐसे लोगों को सरकार द्वारा लाभ या सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, यदि ये लोग अपने दम पर मेहनत करें तो। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको चाहिए होगा, क्योंकि नौकरी का जो मालिक है शनि, वो थोड़ा सा इस स्थिति में आपकी हथेली में है कि आपको चीज़ें जल्दी से हासिल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। अगर हम उंगलियों की बात करें, आपकी कनिष्ठा देखते हैं, जिसको हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, ये भी यहाँ पे अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई दे रही है। जो सूर्य की उंगली है उसके पहले पौरवे तक पहुँचती हुई प्रतीत हो रही है और पहुँच भी रही है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। एक बात का ध्यान रखना, आप देखना अपने जीवन काल में, जो दर्शक मेरी वीडियोज देख रहे हैं, जिसकी ये बुद्ध की उंगली लंबी हो, सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हो और रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ये व्यक्ति या तो व्यापारी होगा या तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा। मतलब आप देखोगे, कहने का मेरा तात्पर्य है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल जीवन ऐसे व्यक्तियों का रहता है।
और दूसरी बात यहाँ पे देखने लायक और भी है कि इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, मरकरी का माउंट कहते हैं इसको, ये बहुत सुंदर अवस्था में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता भी अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक होते हैं, योजना बनाकर चलते हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य ऐसे लोग करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से, सही मायनों में विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे होंगे, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर आपकी होगी और ये सुंदरता भी देता है, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी देता है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करवाता है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सेल्स के जो गुण होते हैं ना, ये व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। व्यापार के गुण व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे लोग केवल और केवल ज़्यादातर मामलों में 90 से 95% मामलों में, मैंने जो हथेली का विश्लेषण करके लोगों का देखा है, व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी में या तो उच्च पदस्थ हो व्यक्ति, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा उच्च पदस्थ नहीं होता है तो व्यापार के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा उन्नति करता है ऐसे लोग। और बुद्ध का पर्वत इस तरह से सुंदर आभा लिए हुए हो और लचीला भी दिखाई पड़े जिस तरह आपका है, तो ऐसे व्यक्ति ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। निश्चित तौर पे आपका बुद्ध बहुत सुंदर अवस्था में है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे देखें, हृदय रेखा देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से जो है युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जहाँ से जा रही है एक इस तरह से चिन्ह भी नज़र आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ऐसे लोग अपने माँ बाप की सेवा अच्छी करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से ये युक्ति बना रही है, ये भी श्रेष्ठ है। सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक हैं आप। विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी हैं, जिससे प्रेम करेंगे हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं आप। अंत तक जो निभाते हैं उनमें से एक है। थोड़ा स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार जो है थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन पूर्ण विश्वास करने योग्य व्यक्ति हैं, निर्मल हृदय है। आप मान पद प्रतिष्ठा कई ऊंचे पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हाँ, आपकी हथेली में एक चीज़ है, जिस तरह से गुरु बृहस्पति और हृदय रेखा साथ दे रहे हैं उस तरह से आपका सूर्य साथ नहीं दे रहा है। यदि सूर्य भी साथ देता, आप सूर्य का उपाय जल्दी कर लेते टाइम से, तो आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति निश्चित रूप से होती, लेकिन बहुत बड़े अधिकारी बनने के योग्य थे आप और योग भी बन रहा था इसमें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं सूर्य का आपको उपाय दूंगा, उसको करेंगे तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आप होंगे। सफलतम जीवन रहने वाला है। और कब से दो गोल्डन टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है, इस लकीर पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और जब भाग्य की लकीर पे, करियर की लकीर पे, पैसों की रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो ये रेखा ज़्यादा मेहनत करवाती है। तब जाके 42वें से लेकर 45वें साल के बीच में चैन मिलता है व्यक्ति को, लेकिन 45वें साल से निरंतर ये भाग्योदय कराती है। व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन अर्निंग आती है, पैसा आता है और ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा पैसा अर्जन करता है।
और वहीं पे देखो आप 45वें साल में आपका एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। दो तीन चीज़ें कहती है ये, सुंदर मनी ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा खासा पैसा स्टोर करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि राहु जो है 45वें साल में प्रबल स्थिति में उच्च स्थान में आ रहा है। और जब राहु उच्च स्थान में आता है ना, या तो राजनीति के क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में या जो है व्यापार के क्षेत्र में, बहुत बड़ी तरक्की दिलाता है, क्योंकि फिर आपकी ये रेखा बुध पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये बुध पे जाती है तो आपके व्यापार में अचानक जो है वृद्धि करा लेती है, व्यक्ति एकदम जो है कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लेकिन केवल अपने मेहनत के दम पर। ये बात ध्यान रखना। एक चीज और बता रही है ये, थोड़ा सा पेट संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, विकास तो बहुत अच्छा करेंगे लेकिन इस रेखा की वजह से थोड़ी सी पेट संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में ध्यान देना है तो कुछ नहीं होगा। एक चीज और, हृदय रेखा पे एकाएक भाग्य रेखा का रुकना ठीक नहीं होता है। किसी न किसी कारणवश जब आप विकास कर रहे होंगे, भावनाओं के वशीभूत होकर अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, और जब विकास अवरुद्ध हो जाएगा तो उसको फिर कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भाग्य रेखा का मैं उपाय भी दूंगा। हृदय के वशीभूत होकर के, भावनाओं के वशीभूत होकर के कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे जो है उलझन की स्थिति, जिससे परेशानियों का आपको जीवन में सामना करना पड़े। वहीं अगर रेखाओं की ओर चले तो आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर है, थोड़ा सा चंद्रमा का टच आ रहा है, इसमें प्रभाव आ रहा है और स्थिरता हर दम रहेगी, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे जीवन में, लेकिन प्रगति निश्चित है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, केयर करने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे आप। वहीं देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मछली का चिन्ह भी बन रहा है। आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ तो निश्चित रूप से होगा, साथ में इसकी नज़र बृहस्पति पे पड़ रही है तो मान सम्मान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन चंद्रमा का पुट आने के कारण आपको एक सुखद यात्रा का जीवन में मौका मिलेगा, हवाई यात्रा का या लंबी यात्रा का मौका मिलेगा। हाँ, एक रेखा शुक्र से इस तरह पा रही है, जीवन में कितना भी पालेंगे लेकिन तो भी जीवन में ऐसा लगेगा कुछ कमी है, थोड़ा अधूरापन सा जो है आपको लगेगा, भले ही सब कुछ हो, फिर आप थोड़ा कामुकता की तरफ भी जा सकते हैं। और ये भाग्य की रेखा बहुत ज़्यादा उन्नति तो देगी, लेकिन इस रेखा की वजह से कहीं ना कहीं किसी स्त्री के कारण थोड़ा सा बदनामी भी हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा अपने जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास, उसके बाद नहीं है, लेकिन उपाय दूंगा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, लेकिन रेखाएं करवाती हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, चंद्रमा की तरफ ही उसका रुझान है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे और बुद्धिमत्ता जो है बहुत अच्छी रहेगी, कल्पना शक्ति बहुत सुंदर है, जीवन काल के लिए बहुत ऊंची योजनाएं बनाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें आपका अंगूठा, देखें अच्छा खासा यहाँ पे लचीला दिखाई दे रहा है और मांसल दिखाई दे रहा है, थोड़ा कड़क किस्म के व्यक्ति भी रह सकते हैं, अपने हितों की रक्षा करने में माहिरता हासिल है और आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। थोड़ा भावुक किस्म के भी व्यक्ति हैं, भावुकता भी थोड़ा आपके अंदर यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अंगूठे के नीचे अगर इस पर्वत को हम देखते हैं, इसे शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, आपकी कला है, आपका सौंदर्य है, आपका सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ
एक दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर सुंदरता और आकर्षण विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है, नई चीज़ों के प्रति रुझान है। परिवार का भी आने वाले समय में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जब तक काम पूरा नहीं होता है छोड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाएँ तो ठीक हैं, फिर भी आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से जो है अभी अभाव की स्थिति है। थोड़ा चिंता का कारण यही बना हुआ है, थोड़ा मानसिक दबाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं लग्जरी के प्रति जो है ये रेखाएं बहुत ज़्यादा आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मंगल पे, निम्न मंगल पे इस तरह का जो है थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे होना इस चीज़ को दर्शा रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर जीवन में है, उलझन की स्थिति जरूर है, और निर्णय लेने की क्षमता में भी थोड़ा असर डालता हुआ यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वहीं ग्रहों की बात करें, आपका बृहस्पति बड़ा सुंदर अवस्था में है, दिव्यता यहाँ पे लिए हुई है, पुष्टता यहाँ पे लिए हुई है, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं, न्यायप्रिय व्यक्तियों में से एक हैं, और अपनी बातों का जहाँ तक हो सके निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। परोपकार की भावना भी जो है आपके अंदर देखी जा रही है, और धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी आपके अंदर हैं। और देखिए दोस्तों, आचार्य बृहस्पति जो है इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, अपार मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा बृहस्पति इस तरह से पुष्ट, आचार्य जी सुंदर हों, अच्छे भाव में बैठे हुए हों, तो ये धन भी देते हैं। और कोई ग्रह होते हैं जिनके कारण धन नहीं रुकता है, वो अलग बात होती है, लेकिन बृहस्पति इस तरह से हो तो विस्तार मिलता है व्यक्ति को, धन मिलता है व्यक्ति को, और जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, मेडिकल लाइन में हुआ, मैनेजमेंट में हुआ, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ, या कोई प्रतिष्ठित पद होता है उसमें हुआ, तो अच्छा खासा जो है कामयाबी पाता है। यहाँ पे एक रेखा आप देखो, निम्न मंगल से आती हुई हृदय रेखा पे आती मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और किसमें दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अड़चनों का किसी न किसी रूप में आपको सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पे मंगल का थोड़ा उपाय करना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो लाइफ पार्टनर है या आप हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, या थोड़ा सा काम वगैरह की वजह से थोड़ा अलग रह सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से जो दाम्पत्य का सुख है ना, उसको पाने में थोड़ा सा जो है कठिनाई आ सकती है। और हृदय रेखा पे आप देखोगे यहाँ पे एक काला तिल सा नज़र आ रहा है, थोड़ा हृदय के विकारों को उत्पन्न ये कर सकता है, हृदय से संबंधित थोड़ा विकार हो सकते हैं, थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये 50 के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, हम अगर आपके यहाँ पे शनि पर्वत को देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। सूर्य पर्वत को देखें, अच्छा खासा यहाँ पे चिन्ह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ललक है। थोड़ा सा थोड़ा मैं उपाय दूंगा, उनको करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे जो है आगे बढ़ेंगे। आपका मंगल थोड़ा यहाँ पे अति बली दिखाई दे रहा है,
जब मंगल अति बलि होता है तो गुस्सैल स्वभाव व्यक्ति को दे देता है। जब गुस्सा आता है तो मन मस्तिष्क क्षण भंगुर हो जाता है। आपका सबसे सुंदर सबसे अच्छा पर्व जो कल्पना का द्योतक है, मन का द्योतक है, सुंदर है, अच्छे रूप में है, लेकिन थोड़ा सिकुड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा, पूरी तरह फूला हुआ या विस्तार लेता हुआ यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण कभी कभार किसी भी परिस्थिति के कारण काम में मन नहीं लगता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। थोड़ा नींद आने में भी ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पानी हुआ, दूध हुआ, या चंद्रमा से संबंधित टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ऐसे जो व्यापार है इसमें इतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। या सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति हो तो कहीं ना कहीं वो विकास नहीं मिल पाता है जिस विकास की व्यक्ति को आशा रहती है। इसके लिए आपको चंद्रमा जो है पुष्ट करना, सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सुंदर रहने वाला है, लेकिन 45वें वर्ष से जो है आप अच्छा खासा धन अर्जित करने बैठ जाएंगे। एक चीज़ उस समय ध्यान रखना कि भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय न लें, नहीं तो पूरे विकास को, पूरे डेवलपमेंट को, पूरे अपनी प्रोग्रेस को आप अवरुद्ध कर लेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और देखिएगा आपकी हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा से मिलकर एक M अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है, ये इस बात को इंगित कर रहा है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की आशीष आपके ऊपर बना हुआ है। जितनी ज़्यादा इनके शरणागति जाएंगे, चंद्रमा मजबूत होगा, शुक्र पुष्ट होगा, तो निश्चित ही अगर शुक्र पुष्ट हुआ तो भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ देगा, लग्जरी का स्वाद चखाएगा और आपकी पर्सनैलिटी में निखार करता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। चंद्रमा मजबूत है हो जाएगा तो मन को मजबूती देगा और जो आपका काम है उसमें विस्तार देगा और उसी में आपको आगे फलित करेगा। और जिस तरह से सूर्य की उंगली है, सूर्य भी मजबूत हो जाता है, चंद्रमा भी मजबूत हो जाता है, आपका शुक्र भी मजबूत हो जाता है, तो 45वें वर्ष से या 42वें वर्ष से, पहले तो 42वें वर्ष से, नहीं तो बहुत ज़्यादा योग तो आपके 45वें वर्ष से ही दिखाई दे रहे हैं, उन वर्षों से आपको निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और उस स्तर तक आप पहुंच जाएंगे जिस स्तर को आप अपने मन में संजोई हुई है। उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।